हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास ढिलन। स्टूडेंट्स, आज हमारे 75th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पार्ट टू से रिलेट करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पार्ट टू में हम रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है रे ऑप्टिक्स से। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 5th। इस न्यूमेरिकल को हम चेक करते हैं। इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में हमारे पास है स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। हमारे पास यहाँ पर एक वाटर टैंक है। इस वाटर टैंक में हमारे पास वाटर है, और इसका डेप्थ हाइट ये हमें गिवन है 80 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 1.33। ये वैल्यू हमें गिवन है, और हमारे पास यहाँ पर एक बल्ब प्लेस्ड है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, TIR, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं TIR को, और ये एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ये कैसे हुआ कि जो क्रिटिकल एंगल है I=IC, इस पर्टिकुलर एंगल पे रिफ्रेक्टेड लाइट रे 90 डिग्री से पास करेगा। तो यहां पर ये सरफेस को ग्रेज करता हुआ पास कर रहा है, सरफेस को टच करता हुआ पास कर रहा है, तो ये हो गया एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है यहां पे। तो इस वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करें, ये हो गया हमारे पास रेडियस, तो हमारे पास ये भी एंगल IC। TIR फिनोमेना है यहां पर, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। TIR है तो म्यू इक्वल्स टू 1/sin IC। हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया मींस πr2। सबसे पहले हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस कैसे फाइंड आउट करें, ये हमारे पास ट्रायंगल है, यहाँ पे R है, यहाँ पे H है, यहाँ पे IC एंगल है, ठीक है, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में। अब इस पर्टिकुलर ट्रायंगल से हम 10 IC एंड 10 IC इज R/H, और यहां से मिल गया R इज H 10 IC। ये वैल्यू हम इस एरिया में प्लग करते हैं, तो हमारे पास एरिया हो गया πh² 10² IC, और 10 IC का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करें, हमारे पास है sin IC इज 1/μ, मींस ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में ये वैल्यू हो गया हमारे पास 1/μ 10 IC, विच इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्केयर, मींस म्यू स्केयर माइनस 1, और यहां से हो गया IC एंड 10 IC इज 1/μ² - 1। ये वैल्यूज को हम यहां पे प्लेस करेंगे, और हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया एरिया। 10 IC का वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर दो, म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.33, और 4/3 ये वैल्यू भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एच हाइट, ये वैल्यू भी गिवन है 80 सेंटीमीटर। ये वैल्यू प्लेस करेंगे और हमें यहां पर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं रे ऑप्टिक्स से एंड न्यूमेरिकल नंबर 7th, ठीक है, बैक एक्सरसाइज से 7th न्यूमेरिकल है। यहां पर है डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5। तो हमारे पास ये एक ग्लास है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स गिवन है हमें 1.5। डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर विद बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गया हमारे पास R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस हो गया R2, और गिवन है R1 इक्वल टू R एंड R2 इज ऑल्सो इक्वल टू R, बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में है ऑप्टिकल सेंटर के, तो इसको हम प्लेस करेंगे -R से। और व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर रिक्वायर्ड फॉर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस टू बी 20 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो हमें ये R का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करें, फॉर्मूला कौन सा यूज करें, हमें पता लग गया है म्यू है, R है, F की बात कर रहा है। तो यहां पे होगा हमारे पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला, मींस 1/F is mu minus 1, 1/R1 minus 1/R2। तो यहां से हमें मिल गया R1 का वैल्यू R है, R2 का वैल्यू -R, और mu
ये वैल्यू गिवन है 1.5 माइनस 1 1 बाई एफ विच इज 20, ये वैल्यूज प्लेस करेंगे और हमें यहां पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7 बैक एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जनरली हमने जो स्टडी किया था, जो हमारे पास था ना मेन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हमारे पास 4 पार्ट्स था। एक था सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग। ये सब टेलीस्कोप्स को जनरली हमने स्टडी किया था। यहां पर हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेट करते हुए न्यूमेरिकल जनरली पेपर में होता है। ठीक है, और साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, वहां पे भी तुम्हारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चंस होते हैं। तो हमारे पास यहां पर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हमें स्टडी करना है। कैसे स्टडी करें वो हम चेक करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 11, रे ऑप्टिक्स बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमें याद रखना है 2 कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे, एक होगा ऑब्जेक्टिव और दूसरा होगा हमारे पास आईपीस। जो ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट लेंस है, इसका फोकल लेंथ कम होगा, आईपीस का फोकल लेंथ ज्यादा होगा। तो हमारे पास यहां पर है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 2 सेंटीमीटर एंड द आईपीस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ आईपीस 6.25 सेंटीमीटर, आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। और हमारे पास यहां पर L, और L हमारे पास होता है V नोट प्लस UE इज 15 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हमें गिवन है। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मींस जो हमारे पास V ही है, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे फॉर्म करे, तो हमें बताना है हम इस ऑब्जेक्ट यू नॉट को कहां पर प्लेस करें। फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ये हमारे पास जो इमेज है वो हमें फॉर्म करना है इंफिनिटी पे। ठीक है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करें ये वैल्यू भी हमें बताना है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट और ये हो गया हमारे पास सेकेंड पार्ट। इन पार्ट्स को हमें जनरली सोल्व करना है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है VE गिवन है, FE गिवन है, तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे UE। तो इसको फाइंड आउट करते हैं, लेंस फॉर्मूला 1/FE इज 1/VE माइनस 1/UE। तो हम यहां से वैल्यूज प्लेस करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है यहां पर VE गिवन है फर्स्ट पार्ट में कि ये वैल्यू लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो -25 पे है, तो हम यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं UE को। तो ये वैल्यू हो गया प्लस 1/UE एस 1/VE माइनस 1/FE, तो 1/VE विच इज माइनस 1/25 माइनस FE, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव विच इज 6.25। इन वैल्यूज को हम सोल्व करेंगे और UE का वैल्यू मिल गया हमें -5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं रफली थोड़ा सा बता देता हूं यहां पर क्या होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस है, ऑब्जेक्ट है, इमेज यहां फॉर्म हो गया, आईपीस ने इसको इनलार्ज कर दिया, तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस होता है यू नोट, ये डिस्टेंस होता है वी नोट, ये डिस्टेंस हो गया यूई और ये डिस्टेंस हो गया वीई। अब हमने यूई फाइंड आउट कर लिया, यूई के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में प्लग करेंगे जो कि है वी नोट प्लस यू इक्वल टू 15, तो हमारे पास यूई ये -5 है। ठीक है, तो हमारे पास वी नोट हमें फाइंड आउट करना है, वो होगा 15 माइनस यूई, और नेगेटिव साइन इस यूई में रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है फॉर द आईपीस, ये ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को प्लेस करेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा वी नोट, एंड वी नोट का वैल्यू हमारे पास होगा 15 माइनस 5 10 सेंटीमीटर।
और हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ये गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ये वैल्यू गिवन है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो हम यहां से फाइंड आउट करते हैं यू नॉट का वैल्यू, तो 1/f इज 1/v माइनस 1/u, और हमें यू नॉट फाइंड आउट करना है 1/u0 इज 1/v0 माइनस 1/f0, एंड 1/v0 ये वैल्यू पॉजिटिव माइनस 1/f0 2, तो यहां से हमें u को सोल्व किया और इसका वैल्यू मिल गया माइनस 10/4 विच इज माइनस 2.5 सेंटीमीटर, तो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर लिया यहां से इस पर्टिकुलर केस के लिए। अब हम यहां से मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आता था, v0/u0 1+d/fe, v0 u0 + 1/dFe, ये सब वैल्यू हम प्लेस कर देंगे, d हो गया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ 5 पीस ये वैल्यू गिवन है हमें 6.25 सेंटीमीटर, v0 हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो v0 है वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और u0 ये हमारे पास है -2.5, नेगेटिव साइन इंप्लाई कर रहा है ऑब्जेक्टिव के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसलिए जो ये जो डिस्टेंस मिला यू नॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस ये वैल्यू हमें नेगेटिव में मिला, मींस कि ऑब्जेक्टिव के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ठीक है, ये वैल्यू हम यहां प्लेस करेंगे और हमें मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है यहां पर बी पार्ट में कि VE इज इनफाइनाइट, और हमारे पास ये हो गया इनफाइनाइट, और इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास हमें UE फाइंड आउट करना है, और UE हमारे पास क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में है टू द जो हमारे पास आई पीस है, तो वैल्यू हो जाएगा -UE इज FE, और जो कि है 6.25 सेंटीमीटर। अब हमें V नॉट फाइंड आउट करना है, V नॉट हमारे पास हो गया 15 - 6.25 विच इज 8.75 सेंटीमीटर, तो हमने यहां से V नॉट को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव के लिए हम स्टडी करेंगे विच इज 1/f0 इज 1/v0 माइनस 1/u0, और हमें यहां से u0 का वैल्यू फाइंड आउट करना है विच इज 1/u0 इज 1/v0 माइनस 1/f0, और v0 हमने फाइंड आउट किया ये वैल्यू है 8.75, पॉजिटिव रखना है इस वैल्यू को क्योंकि v0 हमारे पास राइट हैंड साइड में माइनस 1/f0, फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव विच इज ऑल्सो गिवन हियर इन द क्वेश्चन, एंड द वैल्यू ऑफ द f0 विच इज फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड इट इज लाइक 2 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू लाइक हमने प्लेस किया तो हमें यहां से मिल जाएगा u नॉट विच इज माइनस 7.5 by 6.75 समथिंग विच इज -2.5, ये वैल्यू मिला, और हमारे पास यहां पर u नॉट जो ऑब्जेक्ट है -2.59, तो यहां पे जो वैल्यू है ऑब्जेक्टिव लेंस ये हमारे पास प्लेस्ड है ऑब्जेक्टिव लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ -2.59 सेंटीमीटर, सेम एज इट इज यहां भी हमें मैग्निफिकेशन पावर फाइंड आउट करना है, बट हमें ध्यान रखना है मैग्निफिकेशन तो हमें यहां फाइंड आउट करना है बट इमेज कहां फॉर्म कर रहा है इंफिनिटी पे, तो इस पर्टिकुलर केस में जब मैग्निफिकेशन हमें कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू होगा हमारे पास v0/u0 1+d/fe, बट हमारे पास यहां पर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा v0/u0, और जब इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म कर रहा है तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास होगा ये d एंड fe फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस, इस वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं, fe भी रख सकते हैं इसको हम ue भी रख सकते हैं, क्यों fe को हमने ue से क्यों रिप्लेस किया ये मैं बताता हूं, और वन नहीं होगा जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे फॉर्म करेगा तो हम मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां पे वन नहीं होगा, ठीक है। बट और fe को हमने ue से इसलिए रिप्लेस किया क्योंकि आईपीस के फोकस पे ऑब्जेक्ट प्लेस है तो ही इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म करेगा, इसलिए हमने fe को रिप्लेस कर दिया है इस पर्टिकुलर केस में ue से, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने इस न्यूमेरिकल को जनरली स्टडी किया, नेक्स्ट कुछ और न्यूमेरिकल्स को हम स्टडी करते हैं।
अब हम करते हैं कुछ वेव ऑप्टिक्स से रिलेट करते हुए फर्दर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो हम वेव ऑप्टिक्स से रिलेट करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, और ये हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर फिफ्थ वेव ऑप्टिक्स है। इसमें है, इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट। क्वेश्चन में है, यहां पर हमारे पास एक इंटरफेरेंस पैटर्न है, और इस पर्टिकुलर इंटरफेरेंस पैटर्न में सबका इंटेंसिटी सेम होगा। यहां पे इंटेंसिटी सबका सेम है इंटरफेरेंस पैटर्न में। अब यहां पर जब वेवलेंथ लैम्डा यूज किया, तो इस पर्टिकुलर केस में जो इंटेंसिटी है वो हमारे पास गिवन है के। मींस इंटेंसिटी का रिलेशन हमें पता है, आई इक्वल्स टू 4I0 cos square phi by 2, और phi है यहां पर फेज, इसका भी रिलेशन हमें पता है, डेल्टा phi इज 2π by lambda into डेल्टा x। और इस क्वेश्चन में गिवन है कि डेल्टा x इज lambda, ये वैल्यू पुट करते हैं, तो डेल्टा x को हमने lambda पुट किया, तो ये वैल्यू मिल गया हमें 2π। इस वैल्यू को हम डेल्टा phi को यहां पुट करते हैं इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो I इक्वल्स टू 4I0 cos स्क्वायर 2π by 2 cos स्क्वायर pi which is cos pi is minus 1, उसका स्क्वायर करेंगे 1, तो I इक्वल्स टू 4I0, बट क्वेश्चन में गिवन है I का वैल्यू क्या है k, तो हमें यहां से एक रिलेशन मिल गया कि 4I0 इसको हम k से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हुआ फर्स्ट पार्ट को, थोड़ा हमने इंटरप्रेट करके इधर उधर इस वैल्यू को फाइंड आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, What is the intensity at a point where path difference is lambda by 3? Means, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी बताओ जिस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, ठीक है, ये डेल्टा एक्स क्या होता है वो भी मैं बता देता हूं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये हो गया S1P, S2P, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया S2M, और जो ये S2M है ये हमारे पास होता है पाथ डिफरेंस। तो इस P पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी बताना है, और इस P पॉइंट पर गिवन है डेल्टा एक्सिस लैम्डा by 3, ये पाथ डिफरेंस हमारे पास गिवन है। पाथ डिफरेंस गिवन है, फेस डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा phi is 2π by lambda into डेल्टा x which is 2π by lambda into lambda by 3, lambda lambda cancel out, तो वैल्यू हो गया 2π by 3, तो ये वैल्यू हुआ। अब हमारे पास है इंटेंसिटी, I is 4I0 cos square phi by 2, तो 4I0 cos square phi which is 2π by 3 by 2, तो ये हो गया pi by 3, एंड ये वैल्यू हो गया हमारे पास 4I0 एंड cos square pi by 3 एंड cos pi by 3, ये वैल्यू हो गया हमारे पास 180 by 3, तो 60, और साथ में हमारे पास cos 60 is 1 by 2, तो स्केयर करेंगे तो 1 by 4, तो हो गया I इज इक्वल्स टू 4I0 इनटू 1 by 4, एंड 4I0 को हम रिप्लेस कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो इंटेंसिटी हमारे पास होगा इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर जब पाथ डिफरेंस लैम्डा by 3 है, देन इंटेंसिटी इज K/4 यूनिट्स। ये हमारे पास इंटेंसिटी हो गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चन पेपर्स में आ सकता है बच्चों। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं ऐसे चैप्टर से रिलेट करता हुआ, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 फॉर द वेव ऑप्टिक्स। इसमें है, ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ, ऑफ वेवलेंथ फर्स्ट ये है हमारे पास 650 नैनोमीटर एंड वेवलेंथ टू इस 520 नैनोमीटर, तो ये हो गया 650 × 10⁻⁹ मीटर एंड 520 × 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, ये वैल्यू गिवन है। इस यूज्ड टू ऑब्टेन एन इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर द वेवलेंथ ऑफ दिस। एन इक्वल टू 3 के लिए हमें ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक इंटरफेरेंस पैटर्न है, इसका ये हो गया बी नोट सेंट्रल फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और इसके लिए रिलेशन हमें पता है वाई एन इज एन लैम्डा डी बाई डी, वाई थर्ड इज 3, लैम्डा इज
650 into 10 की पावर माइनस 9 एंड डी बाई डी, ये वैल्यूज हमें गिवन नहीं है तो हम वैल्यूज को रफली ऐसे प्लेस कर देंगे, कैपिटल डी बाई डी अगर क्वेश्चन में यहां पे गिवन नहीं है, और इंटू नैनो मीटर, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ओ. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड्स. मींस हमने यहां पर दो वेवलेंथ्स को यूज किया है, 650 एंड 520. तो 650 के लिए भी एक इंटरफेरेंस पैटर्न है और हमारे पास जो वैल्यू है लाइक 520 नैनोमीटर, इसके लिए भी कुछ ना कुछ हमारे पास एक इंटरफेरेंस पैटर्न है. अब हमें फाइंड आउट करना है किस पर्टिकुलर केस में दोनों वेवलेंथ जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जिसके ऊपर कौन सा ऑर्डर हमारे पास सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिमा के आसपास ओवरलैप करेंगे, मतलब 650 उसके पास भी मैक्सिमम, 520 उसके पास भी मैक्सिमम. अब ये जो वेवलेंथ है ये लाइक 650 नैनोमीटर एंड 520 है, और हमें पता है अगर डिस्टेंस है ब्राइट फ्रिंज है तो वाई एन इज एन लैम्डा डी बाई डी. दोनों वेवलेंथ के केस में कैपिटल डी एंड स्मॉल डी आर सेम, बट एन का वैल्यू डिफरेंट होगा. क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि डिस्टेंस सेम है और वेवलेंथ ऑलरेडी डिफरेंट है, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका नंबर कम होगा और जिसका वेवलेंथ कम है उसका नंबर ज्यादा होगा. तो हम कंसिडर कर लेते हैं 650 के लिए लाइक ये अगर एन एथ है तो ये हमारे पास 520 के लिए ये वैल्यू अब होगा एन प्लस वन, उससे नेक्स्ट होगा. तो अब इसको हम पुट कर देते हैं, से nth फ्रिंज फॉर 650 नैनोमीटर कोइंसाइड्स विद n प्लस वन फ्रिंज ऑफ 520 नैनोमीटर बट डिस्टेंस रिमेन द सेम. तो वाई एन फॉर 650 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू वाई एन प्लस वन फॉर द 520 नैनोमीटर एंड डिस्टेंस फॉर nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा विच इज लाइक n लैम्डा 650 बाई डी इज इक्वल्स टू n प्लस वन लैम्डा 520 नैनोमीटर कैपिटल डी बाई डी. कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी कैंसिल आउट, यहां से हो गया n प्लस वन बाई एन इस लैम्डा 650 नैनोमीटर बाई वेवलेंथ 520 नैनोमीटर. लाइक ये हो गया 650 नैनोमीटर बाई 520 नैनोमीटर. इन इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे, n का वैल्यू मिल जाएगा, उस n के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, डिस्टेंस मिल जाएगा. चाहे तो yn 650 में पुट करो या yn प्लस 1 520 में पुट करो, ये दोनों डिस्टेंस हम सेम मिलेंगे इस पर्टिकुलर nth के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये कोइंसाइड्स करेगा. नेक्स्ट फर्दर एक न्यूमेरिकल हम स्टडी करते हैं, ये है न्यूमेरिकल नंबर 8. इसमें है व्हाट इज द ब्रीवस्टर एंगल फॉर एयर टू ग्लास ट्रांजिशन व्हेन म्यू इज 1.5. हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, ब्रीवस्टर एंगल फाइंड आउट करना है. वन मार्क में क्वेश्चन हो सकता है, म्यू इज 10 आईपी और हमें 10 आईपी फाइंड आउट करना है. तो आईपी इज 10 इनवर्स ऑफ म्यू, हेंस पोलराइजिंग एंगल इज 10 इनवर्स 1.5. ये हो गया हमारे पास ब्रीवस्टर्स एंगल, ये हो गया हमारे पास ब्रीवस्टर एंगल इस पर्टिकुलर एयर टू ग्लास ट्रांजिशन के लिए. तो हमने इसको स्टडी किया यहां पे कि लाइक कैसे कैसे ये यहां पे एयर है ग्लास है, या फिर एयर है और ग्लास है, वाटर भी हो सकता है. तो इन पर्टिकुलर केस में जब एक ट्रांजिशन होगा हमारे पास, तो उन पर्टिकुलर केस में जो ब्रीवस्टर एंगल होगा वो हमारे पास होगा म्यू इक्वल्स टू 10 आईपी. इसको तुम डायरेक्ट याद रखना, कभी कभी हमारे पास आईपी गिवन होगा तो हम उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हम आज के लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं. थैंक यू.